आजकल के पबजी वाले नल्ले भी ना मोबाइल पर फ्री फायर डाउनलोड करते ही वन वर्सेस वन का चैलेंज करने लगे। अरे कस्टम में आएगा क्या, वन वर्सेस वन करेगा मेरे साथ? ऐसा बोलने लगे, बेटा ये तुमसे ना हो पाएगा, ये कोई नुगड़ो का गेम नहीं है, लेजेंड खेलते है लेजेंड। और नुगड़े मतलब जिसे खेलना नहीं आता और तुम्हारे जैसा दिखता है। अच्छा ठीक है। पंकज तू नोबरा है, नोबरा। ओए तू मेरे को नोबरा सच में बोला या मजाक में? सच में। तो ठीक है, तू तो जानता ही है मेरे को मजाक पसंद नहीं। हम फ्री फायर वाले बंदे ऐसे होते हैं, जहाँ चार बंदे दिखें वहाँ गाड़ी रोकते हैं और फिर उन चारों को ठोकते हैं। अरे ये लोग जो वीडियो में गंदे कमेंट करते हैं, तुमको पता है मैं तुमको सीरियसली क्यों नहीं लेता? क्योंकि तुम वो कुत्ते, तुम्हारा काम है भोंकना। वो तू मेरा मुकाबला करना है? ओ काका मम्मी को बोल कॉम्प्लेन पिलाए। सैनॉक मैप में ज्यादा नहीं खेलता क्योंकि उसमें जहरीले सांप हैं। और फ्री फायर वालों क्या बोला, हम पबजी वालों को हरा दोगे? बेटा दो कदम पीछे, हम तुम्हारे बाप हैं। बुरा ही कर सकते हो बेटा, बराबरी तो तुम्हारे बाप दादा भी नहीं कर सकते। क्या बोला, फ्री फायर की ग्राफिक्स अच्छी नहीं है? क्या बोला, फ्री फायर की ग्राफिक्स अच्छी नहीं है? तो तेरा पबजी का ग्राफिक्स कौन सा अच्छा है रे? और सुन बेटा, हम फ्री फायर वाले हैं, तुम लोग जैसे चोरी छुप का गेम नहीं खेलते हम लोग नीडर होके खुल्लम खुल्ला खेलते, इसलिए हमारा ग्राफिक्स खुल्लम खुल्ला है। साले अल्ट्रा बॉट कहीं का, तेरे को क्या मालूम, पबजी में तो मार नहीं पाया, अब फ्री फायर में आके घंटा करेगा? बरात नहीं, तेरी कोई औकात नहीं इस गेम में। तू आजा मेरे स्क्वाड में, तुझे बहुत कुछ सिखाना है। मेरा गेम देख के तेरी बंदी बोले ओ, मुझे तो तेरे स्क्वाड में जाना है। मैंने जैसे एक वीडियो अपलोड किया, एक पबजी वाले नल्ले का कमेंट आया कि वो बोल रहा है फ्री फायर वाले नूबड़े। बेटा बात ऐसी है ना, बाप के जूता बेटे के पैर में आ जाए तो बाप नहीं बन जाता। फ्री फायर पबजी का बाप है ये दुनिया जानती है, मगर बेटों को समझ में नहीं आता। बुराई करने पे तुले हुए हो, बराबर ही तो तुम्हारे बाप दादा भी नहीं कर सकते। YouTube पे मुझे कहाँ सपोर्ट करोगे यार, आप लोगों को डायमंड दे नहीं पाता हूँ ना मैं। क्या करूँ यार, गांव से हूँ, मेरा माँ बाप इतना भी अमीर नहीं है कि मैं लोकेश गेमर और सुल्तान की तरह डायमंड टॉप अप करके आप लोगों को दिखा पाऊँ। क्या करूँ यार, महीने में 2-3 बार ही तो गिव अवे कर पाता हूँ, वो भी किसी से पैसा उधार लेके। क्या बोला बेटा, फ्री फायर छोड़कर पबजी में आ जा पता चल जाएगा। क्या बोला बेटा, फ्री फायर छोड़कर पबजी में आ जा पता चल जाएगा। बेटा बात ऐसी है ना, फ्री फायर हमारी जान है, फ्री फायर हमारी शान है, बहुत प्यार करते हैं फ्री फायर से, क्योंकि फ्री फायर से हमारी सुबह और शाम है। तुझे कितना चाहने। गेम पे आए हुए 2-3 भी नहीं हुए और कुछ नहीं बे 1v1 चैलेंज करने लगे और हारने के बाद ये कहते हैं, भाई मेरा ना नेट स्लो था पता है। हम लड़के चाहे कितनी भी अच्छी वीडियो बना लें पर कोई लाइक नहीं करता। अगर लड़की किसी वीडियो में एक बंदा बोल रहा था पबजी महंगा गेम है और फ्री फायर सस्ता गेम है, इसीलिए फ्री फायर के डाउनलोडर ज्यादा है क्योंकि सस्ते चीजें हर एक को पसंद होती है। तो सुन बेटा बात ऐसी है, अगर तुम्हारी पबजी महंगा होता तो प्ले स्टोर में क्यों नहीं होता? अगर एक बार गलती से पबजी डिलीट हो जाए तो पबजी वाले नल्ले क्यों रोता? बिना गेम खेले पबजी वाले नल्ले क्यों रात भर सोता? इसीलिए लीजेंड खेलने वाले गेम फ्री फायर है एकलौता। चल भी है, फन भी है, प्यार भी है, गन भी है। पहले पबजी वाले का बजाते हैं, पबजी वालों बजाओ यार। बस 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 बस, अब फ्री फायर वालों का बजाओ। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हमें तो आसमान फाड़ना है कि धरती तो चूहे खोदते हैं, हमें तो आसमान फाड़ना है। और ये खड़ा तेरे सामने तेरा बापू, फाड़ ले क्या उखाड़ना है। मुझे ब्लॉक करके स्टार बन गई क्या? 4 दिन रुक जा, तुझे तेरी औकात ना बताई मैंने, तू मेरा नाम पलट देना जो तेरी सहेली ना पटाई मैंने। अरे भाई तुमको जोरू का गुलाम बोलना है तो बोल लेना, पर मैं तो उसको सर पे बैठा के रखूंगा जो मेरे लिए अपना घर छोड़ के आएगी। के चाय में शक्कर नहीं तो पीने में क्या मजा, के चाय में शक्कर नहीं तो पीने में क्या मजा, और लाइफ में दोस्त नहीं तो जीने में क्या मजा। हाँ था ना, एंट्री भले ही लेट होगी लेकिन सबसे ग्रेट होगी। इफ यू थिंक यू आर बैड, आई एम योर डैड।
नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योर सेल्फ, अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता, मैं बता दूं, हर आदमी में स्पेशलिटी होती है यार। अरे हाँ, बदल गया हूँ मैं, क्योंकि बात औकात पे आ गई थी। आज मुझे इनबॉक्स में एक लड़की का मैसेज आया, डियर यू आर सो क्यूट। मैंने तुरंत जाकर शीशा देखा, फिर मैंने मुंह धोकर शीशा देखा, उसके बाद मैंने क्रीम लगाकर शीशा देखा, तब मुझे समझ आया कि मैडम रिचार्ज कराने के चक्कर में है। शौक से बदलो, पर इतना ध्यान रखना, जिस दिन हम बदले करवटें बदलते रह जाओगे। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ? आधार कार्ड की फोटो दिखा दे, सब सच्चाई जान जाएंगे। खुदा ने कहा पूरी दुनिया की दौलत तेरे कदमों में रख दूंगा, पर तुझे रहना पड़ेगा अपनी माँ से दूर कहीं। खुदा ने कहा पूरी दुनिया की दौलत तेरे कदमों में रख दूंगा, पर तुझे रहना पड़ेगा अपनी माँ से दूर कहीं। मैंने कहा ऐ मेरे मालिक, चाहे और कंगाल करते, पर तेरा ये फैसला मुझे मंजूर नहीं। कि जिम्मेदारियों का बोझ है सिर पर, हम चैन की नींद सो नहीं सकते, और दुख दर्द तो हमें भी होता है साहब, पर वही बात है ना, लड़के हैं रो नहीं सकते। अंधेरों में रहकर किस्मत कुछ यूं निकाली है, बहुत नशे की है मियां, तब जाके सर से मौत उतारी। ये इश्क एक जुआ है, बताओ खेलोगे? ये इश्क एक जुआ है, बताओ खेलोगे? समझ लो दाव पे सब कुछ लगाना पड़ा। अरे जिन्होंने वक्त देख के मेरा साथ छोड़ा था, वक्त आने दो, हाथ जोड़ने पे मजबूर कर दूंगा। हमें हराने से पहले थोड़ी ट्रेनिंग ले लेना, अभी तू खिलाड़ी कच्चा है, और मेहनत पे विश्वास है, तेरी तरह बराबरी का कीड़ा नहीं है, अभी तू बच्चा है, उधर खेलना छोटे। क्या बोला? मेरी स्क्वाड मारेगा के? क्या बोला? मेरी स्क्वाड मारेगा। बेटा बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। वक्त खराब देखकर सब तुम्हें इग्नोर कर रहा है ना, तो भाई सबर कर, एक दिन वक्त आएगा भी तुम्हारा, उस दिन तुम्हें इग्नोर करने वाले तुमसे मिलने को तरसेगा दोबारा, तब उसे बोलना पहली फुर्सत में निकल। वो नशा ही क्या जो आंखें बंद ना कर दे, और वो दोस्ती क्या जो जिंदगी झंड ना कर दे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, चाहने वाले बहुत है ब्रो, जलने वाले मुंह में लो। समझ में आया क्या के कमीने होंगे दोस्त तुम्हारे, मेरे भाई जैसे यार हैं, और मेरी बुलाई थोड़ी संभल कर करना उनसे, हमेशा उनके लोड हथियार हैं। मोहब्बत को बुरा क्यों कहूँ जब किस्मत ही मेरी खराब है, वो जा रही है तो जाने दो, मेरे पास मेरी शराब है। वो करो जो आपका दिल करे, ये जिंदगी किसी के बाप की नहीं। चलो मान लिया के डॉलर हो तुम, फूटी कोड़ी हैं हम, और पूछती है कि मेरा फोन क्यों नहीं उठाते। अबे आशिक हैं, गुलाम थोड़ी हैं हम। जितनी तालियां तेरे जीतने पर बजती हैं बेटा, उतनी तालियां तो हमारी एंट्री पर बज जाती हैं। कि चल कोई बात नहीं तू जो मेरे साथ नहीं, कि चल कोई बात नहीं तू जो मेरे साथ नहीं, लेकिन तू मेरी कीमत लगा सके इतनी तो तेरे बाप की भी औकात नहीं। दीवारों तक के कान है पर इस भिड़ी वाले के कान नहीं। अच्छा हम भी एक शेर सुना मैं तो सुनो के निकल गई गर्मी आने वाली है ठंड, वाह वाह, के निकल गई गर्मी आने वाली है ठंड, और तू बहन ले ले मेरा लंग। मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं मादा चोर हूँ। Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, tudo. मशहूर होने का शौक नहीं है, लेकिन क्या करें, लोग नाम से ही पहचान लेते हैं। याद रखना, जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा ना, लोग तुम्हारा फोन नहीं, सिर्फ फायदा उठाएंगे। उसी ऐसा कर कमाल के गोरा हो जाऊं, मैं अभी काला हूँ फिलहाल, तो रात गोरे हो जाओगे भाई इस नुस्खे। गली में तो कुत्ता भी शेर है, ये ना सोच तुझे छोड़ देंगे, हमारे साथ बदतमीजी करी तो तेरा बायो डाटा खोल देंगे। और सुने आजकल ज्यादा हवा में उड़ते हो बेटा, हमें अकड़ मत दिखाना, नहीं तो हड्डियां और अकड़ दोनों तोड़ देंगे।
हम तुझ पर नहीं अपने दोस्त पे मरते हैं कि हम तुझ पर नहीं अपने दोस्त पे मरते हैं। जब तक वो साथ है हम दुश्मन से तो क्या, हम अपनी मौत से भी नहीं डरते हैं। बड़े परिंदे यार। बेबी मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ तो आपका क्रेडिट कार्ड नंबर भेजो। अब क्या शॉपिंग करनी है यार, ब्रा खरीदनी है। अबे क्या करोगी ब्रा लेकर, वैसे भी इतने बड़े कहाँ है तुम्हारे। म्यूजिक रुको जरा, सबर करो। कल जब तुमने अंडरवियर खरीदी तब मैंने कुछ बोला? कभी भी किसी का गरीबी का मजाक मत उड़ा देना यार, क्योंकि ये जो किस्मत नाम की चीज होता है ना, ये बहुत अजीब होता है। कब कहाँ कैसे और किसका बदल जाता है कोई नहीं बता पाता है। बेटा तुम बड़े होकर क्या करोगे? शादी। बेटे मेरा मतलब है क्या बनोगे? दूल्हा। बेटे मेरा मतलब है क्या हासिल करोगे? दुल्हन। अरे मेरे बेटे माँ बाप के लिए क्या लाओगे? बहू। अरे मेरा मतलब है तुम्हारे पापा तुमसे क्या चाहते हैं? पोता और पोती। अबे तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? हम दो हमारे दो। मैं तुम पर नहीं तुम्हारी अदाओं पर मरता हूँ, मैं तुम पर नहीं तुम्हारी अदाओं पर मरता हूँ। मेरे को दारू दे दो, पीने के बाद मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। हेलो नमस्ते सर, जियो कस्टमर केयर में आपका स्वागत है। अबे तू अपना नमस्ते अपने पास रख और पहले ये बता कि नेटवर्क क्यों नहीं पकड़ रहा जियो का। जी सर अभी सर्विस डाउन है सर, तो थोड़ा देर बाद प्रयास। अबे मेरे को तुम लोगों से बात ही नहीं करना, अम्बानी से बात करा। अम्बानी कहती है तू अपने दोस्तों के साथ कम कर दे, जिस दिन गुस्सा आ गया ना सब दूर करवा दूंगी। मैंने कहा फिर फोन करेगी कंपनी वाले भी बोलेंगे कि आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो आपके क्षेत्र और औकात दोनों से बाहर है, कृपया अगले जन्म में प्रयास करें।